अगस्त सितंबर के महीने में मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही ओर से एड़ी चोटी का जोर उपचुनाव की जीत के मद्देनजर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सिंधिया के दबदबे वाली जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। पीसीसी की तरफ से जारी निर्देशों के तहत जिन जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है वहां स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं के मशवरे के बाद नए सिरे से जिला इकाइयों का गठन किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको यहां पर देते चलें। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2.5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, कमलनाथ सरकार गिर जाती है, अब 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल जिन जिलों में इकाइयों का गठन किया जाएगा ये वो जिले हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और उनके समर्थकों का दबदबा हुआ करता था। सिंधिया के पाला बदलकर बीजेपी में जाने के बाद जिला इकाई के कई पदाधिकारी भगवा गमछा ओढ़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पहले उन जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए और अब जिला इकाइयों को भंग करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पीसीसी के जारी निर्देशों के तहत गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर जिले में नई इकाइयों का गठन होगा। ये वो जिले हैं जहां पर आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस का आमना सामना होना है। आपको बता दें सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस की कोशिश अब ये है जिन जिलों में कभी सिंधिया का दबदबा हुआ करता था वहां नए सिरे से जिला इकाइयों का गठन करके नई टीम को खड़ा किया जाए। इस संबंध में पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार जिला स्तर पर पार्टी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। पार्टी ने नई इकाइयों का गठन करके नए लोगों को मौका देने की तैयारी कर ली है और इन्हीं के सहारे सिंधिया के खिलाफ, सिंधिया समर्थकों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतरेगी। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।